ने कहा है कि दुर्भाग्यजनक उनका जीवन है जो पहले उनके पूर्वज कुछ और थे, आज कुछ और हो चुका है। दुर्भाग्यजनक जीवन हमारा नहीं है। हम लोग गर्व से महसूस करते हैं और गर्वित करते हैं कि हम लोगों का जन्म जो हिंदू में हुआ और हम लोग सनातनी है। इसके मूलतः डेपुटेशन हम लोगों ने दिया है फिराद हकीम के जो स्टेटमेंट है। आज फिराद हकीम कहते हैं कि दुर्भाग्यजनक है उनका जीवन जिनका जन्म जो इस्लाम में नहीं हुआ। ये अर्थ इसका कहता है कि हमारे माता, हमारे पिता, हमारे पूर्वजों के जीवन के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। हम लोगों ने उसका प्रधानमंत्री भी है, कलकत्ता के मेयर भी है। एक समय आजादी के पूर्व कलकत्ता के मेयर इसी प्रकार कोई व्यक्ति हुआ करता था जिन्होंने जो है इस प्रकार के षड्यंत्र को भारतवर्ष के जो है खंडित किया था और पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान में आया था। क्या वही षड्यंत्र फिर एक जो है मेयर कर रहा है? क्या उसका लक्ष्य यही है कि पश्चिम बंगाल को आने वाले दिन में भारतवर्ष से अलग करके एक नया जो इस्लामिक कंट्री बनाए? इसलिए दावत 21 जुलाई 1993 में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता लोग नो आइडेंटिटी नो वोट के जो है नारे स्लोगन के साथ लड़ाई लड़े थे। उन्होंने कहा था विदाउट आईडी कार्ड के जो है कोई भी वोट नहीं होगा। वो लड़ाई जो है लड़ करके उसी लड़ाई में जो है 13 लोग शहीद हुए थे। उस 13 लोग के शहीद के नाम पे आज ममता बनर्जी कांग्रेस के उस कार्यक्रम को तृणमूल के रूप में परिवर्तित करके वो प्रोग्राम करती है, याद करती है शहीदों को, याद करती है वो नौजवानों को जिन्होंने नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट के लिए लड़ा। और वहां पे नाच गाना होता है, वहां पे उत्साह मनाया जाता है, लोग डंका बजाते हैं, लोग हंसी और मजाक के साथ जो आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं शहीदों को याद कर रहे हैं। अरे यदि शहीदों को याद करना था तो उन 13 लोगों की जो मृत्यु हुई उसमें जो लोग जो है उसके मूल जिम्मेवार थे उनके ऊपर आज तक कोई इंक्वायरी क्यों नहीं बैठी थी? उनको क्यों नहीं सजा दिया गया? जो गोली चलाया उसकी सजा क्यों नहीं हुई? जिन्होंने गोली चलवाया उनको सजा क्यों नहीं मिला? जिसकी सरकार थी उसके पुलिस मंत्री को क्यों आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ इसके नाम पे जो है राजनीति की। कि दुर्भाग्यजनक उनका जीवन है जो पहले उनके पूर्वज कुछ और थे, आज कुछ और हो चुका है। दुर्भाग्यजनक जीवन हमारा नहीं है। हम लोग गर्व से महसूस करते हैं और गर्वित करते हैं कि हम लोगों का जन्म जो हिंदू में हुआ और हम लोग सनातनी है, इस पर हमें गर्व महसूस होता है। इसलिए ऐसे स्टेटमेंट कहने वाले फिराद हकीम के ऊपर यथाशीघ्र जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बंगाल सरकार के मंत्री भी है, कलकत्ता के मेयर भी है। एक समय आजादी के पूर्व कलकत्ता के मेयर इसी प्रकार कोई व्यक्ति हुआ करता था जिन्होंने जो है इस प्रकार के षड्यंत्र को भारतवर्ष के जो है खंडित किया था और पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान बनाया था। क्या वही षड्यंत्र फिर एक जो है मेयर कर रहा है? क्या उसका लक्ष्य यही है कि पश्चिम बंगाल को आने वाले दिन में भारतवर्ष से अलग करके एक नया जो इस्लामिक कंट्री बनाए? इसलिए वो दावत इस्लाम कर रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि इस्लाम को जो है लोगों को ज्वाइन करवाइए, अल्लाह जो है उसे जन्नत में ले जाएगा। भाई साहब आप जन्नत में जाओ, मुझे कोई दुख नहीं है। हम लोग सब धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे धर्म की पद्धति पे, हमारे धर्म के ऊपर यदि कोई प्रश्नवाचक चिन्ह उठाएगा तो आने वाले दिन में ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। और इससे जो हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे, क्योंकि ये भारतवर्ष की धरा, ये माँ भारती की मिट्टी पे हम सभी जन्म लेने वाले लोग सचमुच हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल गणतंत्र का हत्या दिवस है। 21 जुलाई 1993 में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता लोग नो आइडेंटिटी नो वोट के जो है नारे स्लोगन के साथ लड़ाई लड़े थे। उन्होंने कहा था विदाउट आईडी कार्ड के जो है कोई भी वोट नहीं होगा। वो लड़ाई जो है लड़ करके उसी लड़ाई में जो है 13 लोग शहीद हुए थे। उस 13 लोग के शहीद के नाम पे आज ममता बनर्जी कांग्रेस के उस कार्यक्रम को तृणमूल के रूप में परिवर्तित करके वो प्रोग्राम करती है, याद करती है शहीदों को, याद करती है वो नौजवानों को जिन्होंने नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट के लिए लड़ा। और वहां पे नाच गाना होता है, वहां पे उत्साह मनाया जाता है, लोग डंका बजाते हैं, लोग हंसी और मजाक के साथ जो आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं शहीदों को याद कर रहे हैं। अरे यदि शहीदों को याद करना था तो उन 13 लोगों की जो मृत्यु हुई उसमें जो लोग जो है उसके मूल जिम्मेवार थे उनके ऊपर आज तक कोई इंक्वायरी क्यों नहीं बैठी? उनको क्यों नहीं सजा दिया गया? जो गोली चलाया उसकी सजा क्यों नहीं हुई? जिन्होंने गोली चलवाया उनको सजा क्यों नहीं मिला? जिसकी सरकार थी उसके पुलिस मंत्री को क्यों आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ इसके नाम पे जो है राजनीति की। आज गणतंत्र हत्या दिवस इसलिए हम लोग पालन कर रहे हैं कि उन 13 लोगों को जो है निष्पक्ष, उनके लिए जो है किसी भी प्रकार का जो है निष्पक्ष इंक्वायरी ना हुआ और ना उस पर जो है किसी प्रकार का किसी को सजा मिला। एवं साथ ही साथ मजाक बनाकर रख दिया गया लोकतंत्र को। एवं आज के वक्त में अगर देखे आप तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि गणतंत्र हत्या दिवस क्यों हम लोग कह रहे हैं, उसका रीजन आप देखिए। आज पूरे बंगाल में चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जो लड़ाई लड़ी गई नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट, उस लड़ाई को ही इन्होंने समाप्त किया। आज विदाउट आइडेंटिटी कार्ड के लोगों का वोट दिया जा रहा है। आज लाखों लाखों लोग बंगाल के लोग बोल रहे हैं हमारा वोट कौन दिया पता नहीं। आज 4 विधानसभा के उपचुनाव में हिंदू इलाकों में लोगों को रोका गया, उनके वोट को दे दिया गया, तो जब आइडेंटिटी कार्ड लेकर वो गए नहीं तो उनका वोट कैसे पड़ा?
निश्चित रूप से आपने जो गणतंत्र का हत्या किया है, गणतंत्र हत्या दिवस इसलिए हम लोग पालन कर रहे हैं कि आपने नो आइडेंटिटी कार्ड के विषय पे, नो वोट के विषय पे लड़ाई लड़ने वालों के लिए आपने 21 जुलाई का कार्यक्रम किया। और वहीं आप ही के लोग, आप ही के नेतृत्व में हमारे जो है भारतवर्ष के लोकतंत्र में जिनका अपना वोट देने का अधिकार है, उसके अधिकार को आपने छीन लिया है, आपने उसको वोट देने नहीं दिया है। एवं साथ ही साथ जो व्यक्ति मर चुके हैं, जिनके दादा चाचा मामा जो आज के 10 वर्ष 15 वर्ष पहले मर चुके हैं, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम रख के आप वोट दिलवा रहे हैं। इसलिए गणतंत्र हत्या दिवस के नाम पे हम लोगों ने जो है आज पूरे बंगाल में जो आंदोलन किया है, शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजुमदार मंत्री जी के नेतृत्व में पूरे बंगाल में डेपुटेशन का कार्यक्रम किया गया है और गणतंत्र हत्या दिवस जो है पालन किया जा रहा। हमारे माननीय यहाँ के अर्जुन सिंह जी हमारे नेता भी इस लड़ाई में जो है भरपूर साथ देकर के प्रत्येक थाने में डेपुटेशन देने में जो है सबसे बड़ी सहयोगिता निभाए हैं। और उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व के लिए, हिंदू के लिए, भगवा ध्वज के लिए जो लड़ाई लड़नी होगी उस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और आने वाले दिन में जीतेंगे। जो हमें दुर्भाग्यजनक जीवन कहा है, वो व्यक्ति का जीवन दुर्भाग्यजनक है। वो अपने बारे में सोचे कि उनके 10 पुस्त आगे उनके जो है गार्जियन कौन थे और वो कहां से आए हैं। हम सभी मूल रूप में सनातनी में थे, सनातनी में हैं और सनातनी रहेंगे। हम हिंदू हैं, हमें गर्वित हैं, हमें गर्व महसूस करते हैं और हम लोग हिंदुत्व के ही विषय पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग भगवान को पूजने वाले हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, हम लोग राम को पूजते हैं, हम लोग शिव को पूजते हैं, हम लोग माँ दुर्गा को पूजते हैं, माँ काली को पूजते हैं, हम लोग उन्हीं को पूजेंगे और उन्हीं को प्रार्थना करेंगे। इसमें हमें कोई भी प्रकार का जो संदेह नहीं है। इसलिए दावत इस्लाम के बातों को बंद करें और फिराद हकीम अपनी जो है बात से विमुख होकर के वो माफी कम से कम हिंदू भाइयों सबसे मांगे। यही जो हम लोगों का मूल लक्ष्य प्रधान जो है इसे है।